नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम उपनयन संस्कार के बारे में पढ़ रहे थे, फिर उसके पश्चात थे मेखला की वर्णानुसार मेखला कैसी हो। अब जनेऊ जो धारण करते हैं उपवीत है वो वर्णानुसार किस प्रकार की हो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्पासम उपवीतम स्याद विप्रस्योर्धवृतम त्रिवृत्त क्षणसूत्रमयम राज्ञो वेशस्याविक्षोत्रिकम। ब्राह्मण का जनेऊ कपास के सूत का ऊपर को बटा हुआ और तीन लड़का हो, क्षत्रिय का सनसूत का सण के सूत का और वैश्य का भेड़ के ऊन के सूत का बना हुआ होना चाहिए। कार्पासम उपवीतम स्याद विप्रस्य ऊर्ध्ववृतम त्रिवृत। ब्राह्मण का जनेऊ है वह कार्पासम कपास का बना हुआ होना चाहिए और ऊर्ध्ववृत ऊपर की ओर बटा हुआ, त्रिवृत तीन लड़का होना चाहिए। क्षणसूत्रमयम राज्ञो जो क्षत्रिय है उनका जनेऊ सन के सूत का होना चाहिए और वैश्य से आयुक सौत्रिकम, आयुक होती है भेड़, और वैश्य का जनेऊ भेड़ के ऊन का होना चाहिए। अब उसके बाद में है दंड धारण कि जो ब्रह्मचारी है वह दंड कैसे धारण करे उसके बारे में बताया गया है। ब्राह्मणों बेल व पाला सौ क्षत्रियो वाट खादि रहु पेल वो दम्बरो वैश्यो दंडा नरहंत धर्मत। कि ब्राह्मण का जो दंड है वह है बेल व पाला सौ, बेल और ढाक की लकड़ी का होना चाहिए। क्षत्रियो वाट खादिरो और जो क्षत्रिय है उसका दंड बड़ या खेर के वृक्ष की लकड़ी का होना चाहिए। पेल वो दम्बरो वैश्यो दंडा नरंति धर्मत। पेल और उदम्बर, पेलू और गुल्लर इनकी लकड़ी का बना हुआ दंड वैश्य धारण करें, वैश्य ब्रह्मचर्य धारण करें, इस प्रकार नियमानुसार दंडों का कथन किया गया है। अब इनकी दंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए उसके परिमाण के बारे में बताया गया है कि शांति को ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणत ललाट सम्मित हो राज्ञ सातु ना शांति को विषय। कि केशांति को ब्राह्मणस्य दंड है कार्य प्रमाणत है कि ब्राह्मण का जो दंड है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो दंड है वह है केशांति को केशों तक बालों की लंबाई तक दंड होना चाहिए। ललाट सम्मित और राज्ञ है और जो राज्ञ क्षत्रिय ब्रह्मचारी है उसका दंड ललाट सम्मित, ललाट तक की मस्तिष्क तक जो मस्तक है वहाँ परिमाण तक मस्तक की लंबाई तक यानी कि पैरों से लेकर के मस्तिष्क जो ललाट है मस्तक ललाट तक उसका दंड होना चाहिए। नाशांति को विषय है और जो वैश्य ब्रह्मचारी उसका नासिका तक प्रमाण से दंड बनाना चाहिए। अब जो ब्रह्मचारी भिक्षा का आचरण करते हैं, भिक्षाचरण करते हैं, उस भिक्षाचरण की विधि बताई गई है कि भिक्षा मांगते समय किस प्रकार भवत शब्द का उच्चारण करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि उस भवत शब्द के उच्चारण मात्र से ही ये पहचान लिया जाए कि यह ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है वैश्य है। तो उसके लिए बताया गया है भवत पूर्वम त्रेद भिक्षम उपनीतो द्विजोत्तम भवन मध्यम तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम। भवत पूर्वम चरेत भिक्षम कि पूर्व में भवत शब्द का उच्चारण करें जैसे भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही, इस प्रकार भवती शब्द का भिक्षाम देही से पूर्व में प्रयोग करे। कौन करे? ब्राह्मण ब्रह्मचारी कि भवती भिक्षाम देही, तो ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी इस प्रकार उच्चारण करे भवत शब्द का पूर्व में उच्चारण करे। भवन मध्यम तो राजन्यो और भवत शब्द का मध्य में प्रयोग करे राजन्य, तो भिक्षाम देही के बीच में प्रयोग करे भवती का, तो भिक्षाम भवती देही, भिक्षाम भवती देही, इस प्रकार राजन्य यानी कि क्षत्रिय ब्रह्मचारी
भिक्षा मांगते समय बोले, और वेश्यस्तु भवत उद्रम, वेश्यस्तु भवत उत्तरम, कि भवत शब्द का उत्तर यानी पश्चात में प्रयोग करेगा कौन? वेश्य ब्रह्मचारी। तो भिक्षाम देही के अंत में, उत्तर में, अंत में भवति का प्रयोग करेगा। भिक्षाम देही भवति, भिक्षाम देही भवति, इस प्रकार उच्चारण करेगा कौन? वेश्य ब्रह्मचारी। अब कैसे भिक्षा का आचरण करे, किस किस से करे, इसके बारे में बताया गया है। मातरम वा स्वसारम वा मातुर वा भगिनी निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम याचेनम नावमानयेत, कि सबसे पहले किससे भिक्षा का आचरण करे, कि जो भिक्षा के लिए मना न करें उससे भिक्षा का अपमान नहीं होता है। ब्रह्मचारी पहले माता से, मातरम वा स्वसारम वा मातुर वा भगिनी निजाम, ब्रह्मचारी पहले माता से, बहन से, सगी मौसी से, कि मातुर वा मातु भगिनी वा निजाम, कि मातु भगिनी कि माता की बहन यानी कि मौसी से, मातरम माता से, स्वसारम बहन से, मातुर भगिनी कि जो माता की बहन है मतलब मौसी है, उससे भिक्षा मांगे सबसे पहले। अथवा जो हो नहीं कर सकता उसका अपमान न करें उससे भिक्षा मांगे। भिक्षेत भिक्षा प्रथमम या चैनम ना मन्नेत, कि उससे ही सबसे पहले भिक्षा मांगनी चाहिए जो मना न करे, जो उसका अपमान न करे। इसलिए सबसे पहले माता से, फिर बहन से, फिर मौसी से, और इस प्रकार सबसे पहले उसी व्यक्ति से भिक्षा मांगनी चाहिए जो अपमान न करे, मना न करे। अब भिक्षा से जो अन्न मांग के लाता है वह है, उस अन्न को पका करके जब खाते हैं, उपभोग करते हैं, तो इसके लिए दिशा के अनुसार बताया गया है कि कौन सी दिशा में मुख करके खाया जाए तो उसके यश में कैसे क्या वृद्धि होती है, यश में कहीं धन में, है ना। तो दिशा अनुसार भोजन करने के फल बताए गए हैं। आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते, यशस्यम दक्षिणा मुख, श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंक्ते, ऋतम भुंक्ते ऋदंग मुख युदंग मुख, कि यदि आयु की प्राप्ति, आयु की कामना से व्यक्ति को प्रांग मुखो भुंक्ते पूर्व की ओर मुख करके खाना चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। तो आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते, आयु की कामना करने वाले व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके भोजन करें। यशस्यम दक्षिणामुख है, और यश की कामना से व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करें। श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंक्ते, और श्रीय है लक्ष्मी, इस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए प्रत्यंग मुखो भुंक्ते, पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करें। ऋतम भुंक्ते युदंग मुख, उदंग मुख यानी उत्तर की ओर मुख करके खाने से सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य का फल होता है मोक्ष। तो उत्तर की ओर मुख करके खाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये जो भोजन है, अन्न है, उसको पूजितम पूजा करके अच्छे प्रकार से इस भोजन का ध्यान करके उसके बाद में भोजन खाना चाहिए, क्योंकि अच्छी प्रकार से ध्यान किया हुआ जो अन्न है, पूजित अन्न है, उससे क्या प्रतिफल मिलता है। पूजितम ही अस्नम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति, अपूजितम तु तद्भुंक्तम उभयम नाशयेदिदम, कि पूजितम ही अस्नम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति, कि आदरपूर्वक भोजन करने से बल और ऊर्जा वीर्य प्राप्त होता है, कि जो आदरपूर्वक बल करने से, भोजन करने से बल और वीर्य की प्राप्ति होती है। अपूजितम तु तद भुंक्तम उभयम नाशयेद इदम, और यदि बल उसका अनादर करते हैं भोजन का, तो ये जो बल और वीर्य जो ऊर्जा है उन दोनों का ही नाश हो जाता है, दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अन्न का सम्मान करके, पूजा करके उसको अच्छी प्रकार से आदरपूर्वक अन्न खाना चाहिए, उससे आयु और वो बल और वीर्य में वृद्धि होती है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं उससे पहले
उससे अन्न का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पूजितम अन्नम बलम वीर्यम से यच्छति, बल और वीर्य प्रदान करता है, और यदि अनादर करते हैं अन्न का तो इन दोनों का ही नाश हो जाता है। धन्यवाद।